हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने ये बहुत ही खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र बनाने की का तरीका बताने जा रही हूँ, जिसमें आप मल्टीपर्पज़ तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये मैंने एक सर्फ एक्सल का डिब्बा लिया है जो 6 kg का आता है वो, और ये मेरे पास दो पुराने टॉवल पड़े थे, वो ये टॉवल लिए हैं मैंने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो हमारे हैंडल है उसकी इस हैंडल को हम निकालेंगे। ये मैंने हैंडल को निकाल लिया है। अब इसका जो ये हमारा जो टॉप पोर्शन है उसको हम साइड पोर्शन बनाएंगे, और ये जो साइड पोर्शन है उसको हमने कट करके टॉप पोर्शन बना लिया है, और ये जो साइडों में जो खुल पार्ट्स खुल गए हैं उसको मैंने हॉट ग्लू से स्टिक कर लिया है, जिससे कि हमारा ये जो ऊपर से जो इसको ओपनिंग होगी काफ़ी ब्रॉड हो जाएगी। तो इसमें हम कुछ भी अगर सामान वगैरह रखेंगे तो ब्रॉड ओपनिंग की वजह से इसमें काफ़ी ईजी होगा। तो मैंने दोनों साइड में हॉट ग्लू से इसको अच्छे से स्टिक कर लिया है। हॉट ग्लू इंस्टेंट स्टिक करता है, और ये जो टॉवल है इसका जो साइड पोर्शन है काफ़ी मोटा है, तो इसको मैंने कट करके हटा दिया है। और मैं इसके अब साइज़ के हिसाब से इसको कपड़े का मेज़रमेंट लूँगी और कपड़े को कट करूँगी। तो दो पांच पीसेस कट करूँगी चारों साइडों के, एक नीचे बेस का। तो इसको मैं इस तरह से तौलिए पे रख के इसको यूज़ करूँगी, नाप के और कट कर लूँगी। मैंने कट कर लिया सारे पोर्शंस, दो लेंथ के, दो ब्रेथ के और एक बेस का पार्ट। अब मैं इनको फिर से हॉट ग्लू से ही इनको स्टिक करूँगी, क्योंकि काफ़ी अच्छा होता है हॉट ग्लू। आप फैब्रिक ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, हॉट ग्लू आसानी से चिपक जाता है जल्दी में। तो मैंने सारे पार्ट्स को इसमें स्टिक कर लिया है, और ये मैंने दूसरा तौलिया का जो पीस लिया था वो लिया है मैंने। इसे मैं आउटर पार्ट स्टिक करूँगी, उसको स्टिक करूँगी, और ये मैंने जो साइडों की जो कट किनारी है इसको काट के निकाल लूँगी, क्योंकि इसकी वजह से थोड़ा सा तौलिए में झोल आ रहा है। तो दोनों साइडों से ये मैंने कट के करके हटा दिया है, और इस तरह से फिर से मैं इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हुए, ताकि इसको मैं अंदर की तरफ फोल्डिंग कर सकें, एक्स्ट्रा लेते हुए मैंने इसको कट किया है। ये मैंने स्टिक कर दिया है यहाँ पे, और इसको इसी तरह मैं इसे करते हुए, कपड़ा काटने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी तरह इसको इसके ऊपर ही तौलिए पर या फिर कार्डबोर्ड पर स्टिक हॉट ग्लू लगा के स्टिक कर सकते हैं। और यहाँ पर स्टिक करने के लिए हमें थोड़ा सा खींच के इसको स्टिक करना होगा, नहीं तो बीच में झोल वगैरह जिससे ना आए। मैंने हॉट ग्लू लगा दिया है, और इसको मैंने ये देखिए इस तरह से हल्का सा खींच के, ताकि अच्छे से ये और इसको मैंने प्रेस कर लिया है, और जो साइडों में जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको मैं कट करके हटा दूँगी। मेरा ये साइड वाला एक पोर्शन बाकी रह गया है, तो वहाँ पे भी मैं हॉट ग्लू लगा के इसको स्टिक करूँगी। ये देखिए मैंने सारा कर लिया है, इस अंदर की तरफ इसको फोल्ड कर दूँगी फिनिशिंग के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ऑर्गेनाइज़र बनाने कैसा लगा। ये हमारा रेडी हो चुका है। अब ये दो साइड, ये दो लेंथ वाली साइडें बची हैं, तो ये जो हमारा तौलिए का जो पीस कट बचा हुआ था, तो इससे मैं इसको फिर से ऐसे ही स्टिक कर दूँगी इसमें। आप चाहे तो कोई भी पुराना आपके यहाँ जो कपड़ा है, या तो पैंट वगैरह का, या फिर शर्ट्स का, कई तरह के घर में वेस्ट कपड़े पड़े होते हैं, जिस तरह से जिसको हम यूज़ करके किसी भी तरह का ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं हम। फिनिशिंग दे दिया है मैंने इसको, अब एक साइड बाकी है। इस साइड भी सेम है, उसी तरह ही इसको स्टिक कर दिया है मैंने। ये चारों साइड से हो चुका है, और ये मेरा ऑर्गेनाइज़र बनके बिल्कुल रेडी है। तो
आपको मैं बता रही हूँ मैंने इस किस पर्पज़ के लिए बनाया है। तो मेरे पास जितने भी पेटीकोट्स वगैरह थे तो मैंने इन सबको इसी दुपट्टे में बांध के रखा हुआ था, जो कि देखने में अलमारी में बहुत ही भद्दा लग रहा था, तो जिसके लिए मैंने बनाया है ऑर्गेनाइज़र। ये सारे पेटीकोट्स को मैं अब फोल्ड करके इसमें डाल दूँगी। आप चाहें तो कुछ भी इसमें डाल सकते हैं, निकनेक्स डाल सकते हैं, या तो किचन के एप्रन वगैरह इसमें डाल सकते हैं, या तो बच्चों के जो अगर बना के आप उनको कलर्स वगैरह के जो छोटे छोटे डब्बे होते हैं वो सब इसको दे सकते हैं रखने के लिए। तो ये देखिए मैंने दो लेयर में डाल दिए हैं। ओके थैंक।